और अपना असली पता गवा दिया। किसी मूर्ख के साथ भी नहीं हुआ आज तक ऐसा। हुआ भाई, किसी ने कोई नई ड्रेस पहनी हो और घर का पता भूल गया हो। और हमारे साथ कितना अजीब हुआ, देह का चोला क्या धारण कर लिया, अपना असली पता ही भूल गए। ये तो शुक्र है गुरु का, समय पे वहाँ पकड़ के उसने याद दिला दिया, नहीं तो इंसान की हालत कैसी हो रही है। चोले का अभिमान, मैं ये शरीर हूँ, सारा दिन शरीर की बातें, और ये याद ही नहीं मैं असल कौन हूँ। नकल इतना प्यारा लग गया, असल को भूल बैठे है अंदर से। अभी गुरु असल को याद दिलाता है, हु आर यू। सबसे पहले अपने स्वरूप की बात करो, तुम कौन है, तुम क्या है, ये सब तेरी मौज है, सच नहीं है। जैसे सागर सच है, उसकी लहरें तो सच नहीं हैं, इसी तरह से मैं सच स्वरूप हूँ और ये जगत मेरी लहर, मेरी परछाई। अब क्या परछाई सच होती है? सच तो मैं हूँ ना, परछाई तो सच्ची नहीं है। इसी तरह से अपने को जानना हो जाए तो सारे प्रश्नों का हल हो जाता है। जितनी भी बातें हमारे भीतर चलती हैं भाई, कभी हम सोचते हैं चम दृष्टि से दम दृष्टि कैसे हो, कभी सोचते हैं पूरी स्थिति कैसे बने, कभी कुछ विचार आता है, कभी कुछ विचार आता है, लेकिन सबका उत्तर एक ही है, नो दाई सेल्फ। जब तू अपने को जानोगे तो तुम सबको उसी दृष्टि से देखोगे। जब तक तुम खुद चमड़ी में अटके हो, तब तक सबकी चमड़ी नजर आ रही है। जीव को शब्द भी प्रभावित करेगा, दृश्य भी प्रभावित करेगा, आत्माकार प्रभाव रह तो सकता है। अब जब हम अपने को जीव मानते रहते हैं तो पूरा समय ये उलझने हमारे पास होती हैं। कभी किसका शब्द लग जाता है, कभी किसकी बात लग जाती है, कभी दृश्य अच्छे लगने लगते हैं, कभी खराब लगने लगते हैं, मना प्रभाव डालते हैं। लेकिन शब्द और दृश्य के प्रभाव से ऊंचा उठना, ये है अपने स्वरूप के निश्चय में आना। ये जो जीव भाव है, इसी में ये शब्द और दृश्य प्रभावित कर रहा है। अब नाम रूप किसी का भी डाल लो उसमें, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उलझन हमारे भीतर की है। स्कूल में समझो फिल इन द ब्लैंक्स आते थे, डैश हैज ए काउ। अब उसमें तो तुम अशोक लिखो, राम लिखो, श्याम लिखो, कोई भी नाम लिख दो, सेंटेंस वही है कि उसके पास गाय है। अब हमारे साथ क्या होता है, हम नाम बदलते रहते, कभी इसका शब्द लगा, कभी इसका लगा, कभी इस दृश्य ने प्रभावित किया, कभी उस दृश्य ने, पर मेन सेंटेंस वहीं का वहीं है कि जीव भाव हमारे अंदर है। इसीलिए हमें शब्द लगते हैं, इसीलिए हमें दृश्य लगते हैं, इसीलिए हम अंदर से उलझते हैं। अगर एक बात समझ में आ जाए, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो ना अच्छे शब्दों का इफेक्ट है, ना बुरे शब्दों का इफेक्ट है। चम दृष्टि है ही नहीं ना किसी के लिए, क्योंकि चोर होके सब चोर दिखते हैं, साधु होके सब साधु दिखते हैं, तो आत्मा होके ही तो सब आत्मा दिखेगा ना, दूसरा कैसे दिखेगा फिर। ब्रह्म ज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म क्यों देखने में आता है? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी की अपनी स्थिति है ब्रह्म में, और वो अपना आप ही देखता है सबको, जीव सबको जीव करके देखता है। अब मैं कर्म का करता हूँ,
तो मेरा मन कहेगा सामने वाला भी कर्म का करता है। अगर मैं किसी का अच्छा बुरा सोच सकता हूँ तो मेरा मन कहेगा अगला भी मेरी बुराई सोच रहा होगा। मैं अंदर से किसी के लिए कोई इमेज रखता हूँ तो मन में आएगा ज़रूर इसने भी मेरे लिए इमेज बना ली होगी। तो जहाँ हम खड़े हैं वहीं से हम सामने देखते हैं ना, जहाँ हमारी स्टैंडिंग है। भगवान हमेशा बोलते थे कि अगर तुम मुझे भी समझना चाहते हो तो पहले मेरे जितने उठ जाओ। एवर्ड ऊंचा होए कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। अब कोई बात हो जाती थी ना किससे, कोई भूल हो गई बार बार, अच्छा भगवान हो गई, अच्छा भगवान आपने माफ तो कर दिया, अच्छा भगवान आपने कुछ, वो बोलते थे तुम मेरे को अपने जैसा क्यों समझते हो, मेरे अंदर से तो बात एक मिनट में गुम हो जाती है, एक क्षण पहले की बात मेरे को तो याद नहीं है, पर तुम्हें क्यों याद रहती है। अब तुम्हें याद है तो तुम्हें लगता है गुरुजी को भी याद होगी। तुम क्योंकि किसी की गलती नहीं भूलते तो तेरा मन कहता है गुरुजी भी नहीं भूलते होंगे। तो जहां पर हम लोग खड़े रहते हैं सबको ही तुम वहीं से देखते हैं ना, सोची वैसी हो जाती है। अब एक व्यक्ति अंदर से ही सात्विक वृत्ति वाला है तो आप देखो वो कल्पना ही नहीं कर सकता कि कोई गलत सलत भी चलता होगा, कोई बुरा भी सोचता होगा। वो कहता है नहीं नहीं अगला मेरा बुरा क्यों सोचेगा, अगला मेरी बुराई क्यों करने लगा। अब उसकी सोच इस तरह की क्यों हो जाती है, क्योंकि वो अंदर से साफ दिल है। तो चाहे बाहर से कुछ दिखता भी है ना तो भी उसकी भावना गलत नहीं जाती। अब अगर हम अपने को अकर्ता अभोक्ता और ऐसा आत्मा निश्चय करें जिसमें राग द्वेष का संसार ना रहे तो हमारी दृष्टि अपने आप ही सबके लिए साफ हो जाएगी। जो मैं सोच सकता हूँ उतना ही तो मैं सोचूंगा कि सामने वाला सोच रहा होगा। जिस हद तक मैं निचाई पे जा सकता हूँ उतनी निचाई सामने वाले की सोच सकूंगा, इससे ज्यादा नहीं। जितनी नीचता अपने मन में है आप सामने वाले के लिए भी उतनी नीचता का अनुमान लगा सकते हो। और अपने अंदर अगर ऊंचाई होवे तो सबके लिए उतना ही ऊंचा भाव आ जाता है। ये सत्संग के बाद सबने फील किया होगा, जिन जिन भावों से आप उठ गए आपको महसूस होता होगा जैसे दुनिया में भी वो बात किसी के अंदर नहीं है। अपना मन साफ हुआ। बड़े लोग कहते थे हम किसी के दुश्मन नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं। सुनी होगी बात, बोलते चालते बड़े लोग बहुत कहते थे ये बात, हम किसी के दुश्मन नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं। ये नहीं कहते थे हमारा कोई दुश्मन नहीं, हम किसी के दुश्मन नहीं। कहते थे हम किसी के दुश्मन नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं। मतलब जब हम किसी से दुश्मनी नहीं रख रहे तो हमसे भी तो कोई नहीं रखेगा ना। अपना अंतःकरण साफ हुआ, सामने वाले के लिए मन में अपने आप ही शुद्ध भाव आ गया, बिना मेहनत के ही आ गया, कोई विचार ही नहीं करना पड़ा। तो ज्ञान का जितना भी अभ्यास है वो अपने साथ करोगे ना तो सामने अपने आप नजर साफ होती जाएगी। अब अपने चश्मे पे कभी कोई उंगली लग जाए, धब्बा आ जाए तो देखो देखने में उलझन होने लगती है। तो ये थोड़ी कि सामने वाले के मुंह पे कुछ आ गया, हम फटाफट कपड़ा लेके अपना शीशा साफ करते हैं चश्मे का, फिर ठीक दिखने लगता है। ऐसे जब हम अपने अंदर से क्लीन क्लियर हो जाते हैं सामने तो क्लैरिटी अपने आप ही आ जाती है। कोई बात ही नहीं रहती अंदर में कि हमारे अंदर कोई विचार रह जाए, कोई बात रह जाए, कहाँ से रहेगी। अगर आप किसी का गलत नहीं सोच सकते तो आप ये भी नहीं सोच पाओगे कि वो मेरा गलत सोच रहा होगा। दादा ने बोला ये ज्ञान जो है ना सारा अरस परस चलता है, जिनसे आप मुंह काटते हो वो आपसे काट देते हैं,
जिनसे आप वैराग लेते हो वो आपसे अपने आप परे चले जाते हैं। इसी तरह से जिनके प्रति आप मन साफ कर लेते हो वो आपके प्रति मन साफ कर लेते हैं, दोनों बातें। इसीलिए कोशिश ये मत करो मैं अगले के प्रति मन साफ कर रहा हूं, नहीं नहीं वो ऐसा नहीं कर रहा होगा, आपके मन को साफ करो पहले। हम क्या करते हैं जब किसी की बात लग जाए, कोई विचार आ जाए, फिर कहते हैं नहीं नहीं अगला क्यों मेरा बुरा करेगा, गुरु तो कहता है तुम बुरा संकल्प मत करो। पर बुरा संकल्प उठ कहां से रहा है, वो बुराई अपने अंदर है इसका मतलब। तभी तो ना, अगर आप चोरी को जानते नहीं आप अपने को साधु कैसे कहते हो। आप चोरी को जानते हो, चोर को जानते हो ना, तभी तो अपने को साधु कहने की हिम्मत करते हो, नहीं जी मैं तो साधु हूं। वरना चोर साध को एक पछाणो। अब ज्ञानी ये भी नहीं कहता ये चोर है ये साधु है। तभी तो कबीर जी के घर जब चोर आया, शरण ली उसने, बेटी के पास सुला दिया और पुलिस आई, देखा भाई पास तो है बेटी के तो दामाद ही होगा, पुलिस चली गई। चोर उनके पैरों में गिर गया, भगत हो गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसकी रक्षा की गई, इसलिए कि कबीर जी के अंदर के भाव को देख के कि कोई चोर पे ऐसा विश्वास कैसे कर सकता है कि अपनी बेटी के पास लिटा दे उसको, जब है ही स्वभाव का चोर, पता नहीं उसके अंदर कितनी खराबियां हो, क्या नाजायज फायदा उठा जाए। लेकिन वो कबीर जी की इस दृष्टि से हैरान है कि कमाल की दृष्टि है, मेरे को चोर नहीं देखते अपने को साधु नहीं देखते। ये भी तो द्वैत है। जब ये अभिमान जागता है, श्रेष्ठ अभिमान, जिसको गीता में भगवान कहते हैं श्रेष्ठता के अभिमान का त्यागी, ये अभिमान कब जागता है श्रेष्ठता वाला साधु वाला, जब चोर नजर आता है। अगर मैं साधु हूं तो सामने चोर है मैं साधु, अभी द्वैत रह गया। लेकिन जब चोर साधु को एक पछाणे, मना आत्मदृष्टि, अब ना चोर कहना पड़ेगा ना साधु कहना पड़ेगा। कबीर जी ने चोर को चोर ना कहा, अपने को साधु ना कहा। चोर ही डर गया उनके भाव देख के, वो शरणागत हो गया। अब हमारा पुरुषार्थ क्या होता है, मैं साधु बन जाऊं। साधुपना असली क्या है, जब साधु होके सबको साधु देखो तब तुमने साधा मन को, तब तुम हुआ साधु। अगर साधु होके चोर देखता है तो द्वैत है। साधु होके चोर मत देखो, एक दृष्टि बनाओ, सब एक है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद तय भिन्ना काई, और अंदर से प्रेम में डूबे रहो। तब ये तुम्हें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा जो कहते हो चमड़ा दिखता है फिर हमको विचार देना पड़ता है, फिर स्त्री पुरुष में भाव चला जाता है फिर विचार देना पड़ता है। ये कब होता है, जब तुम अंदर से भगवान में मस्त नहीं हो, डूबे रहो ना, चाहे भजन में डूबे रहो, सत्संग के विचार में डूबे रहो, पर कहीं ना कहीं मन को डुबा के रखो। जब ये डूबा रहेगा प्रेम में तो ये बाहर कुछ नहीं देखेगा। जो डूबे तेरे प्यार में ना डूबे मझधार में। ज्ञानी को होश रहता है तभी भगवान गीता में ज्ञानी भक्त की बात करते हैं। ज्ञानी को होश है और वो अपने को ज्ञानी सामने अज्ञानी देख लेता है, अपने को साधु सामने चोर देख लेता है, ये गड़बड़ हो जाती है। पर जब भक्ति प्रेम निमाणापन ये सब हमारे साथ होता है तो फिर ये चीजें नहीं बांधती हमको। श्रेष्ठता का अभिमान ही नहीं,
तो नीचा किसको देखोगे? अपने मन की नीचाइयां चली गईं तो आप दूसरे को नीचा करके कैसे देखोगे? अब देखो ना, आप कितनी सावधानी बरतते हुए भी कभी कभी चोर आपको ठग लेता है, कभी दुकानदार ठग लेता है। हम आपको पूछते हैं क्या तुम्हें अकल नहीं थी? अब आप बोलोगे मैं कोई ये थोड़ी जानता हूँ चीज़ें कि ऐसे भी ठग लेते हैं लोग। मतलब जब आपके अंदर ठगी नहीं है, आपको सामने वाले की ठगाई नहीं समझ आई ना। यहां से अंदाज लगाओ, जितना अपने मन को प्योर कर लोगे सामने सब अच्छा ही अच्छा नजर आएगा। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। ज्ञान से बजाय होशियार बनने के साफ होते जाएं, शुद्ध बनाते जाएं अपने को, प्योरिटी में आते जाएं, तो उसमें कोई भेदभाव ही नहीं बचेगा मन में। चमदृष्टि अपने लिए भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। वैसे भी देखो, आत्मा निर्गुण है। आप किसी भी गुण का अगर अभिमान करते हो, आप देह के तल पे ही हो, आत्मा में गुण है ही नहीं कोई। मैं इतना गुणवान हूं फिर भी जीव है। सात्विक गुण हो गया, सत्वगुणी हो गया ज्यादा में ज्यादा। पर ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है? निर्गुण। तो मेरे में अगर कोई गुण मुझे भासता भी है, वो ईश्वर का समझ के और उससे मैं किनारा पकड़ूं। क्यों? मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मेरे में कोई गुण अवगुण नहीं है। अभी जैसे लाइट जलती है समझो, अब हमारे सबके फेस पे पड़ती है, अब हमारा फेस और ब्राइट लगता है, लेकिन हम जानते हैं लाइट के कारण लग रहा है। वैसे तो नॉर्मल है फेस, इतना वाइट थोड़ी है, नॉर्मल है ना। ये प्रकाश का गुण था। ऐसे जो अपने अंदर सतो गुण दिखता है, वो ईश्वर का या प्रकृति का कुछ भी मान लो, भक्ति होती है ज्यादा अंदर में लगता है तो मेरे भगवान का है सब दिया हुआ, वरना प्रकृति का गुण है। एक सच्ची बात जो है, प्रकृति के गुण है सारे। मुझ ब्रह्म में गुण अवगुण की भावना कहाँ होती है? निर्गुण और निराकार। मैं निर्गुण हूं, निराकार हूं, रूप ना रेख ना रंग कुछ, त्रैगुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सुप्रसन्न। मुझ में ना रूप ना रेख ना रंग, और तीन गुणों से मैं अतीत, तो मैं किस गुण का अहंकार कर सकता हूं? मेरे में गुण भी नहीं है, ना मुझ में गुण है ना मुझ में अवगुण है। मैं हूं निर्लेप अरूप। अब ये कोई कोई जाने रे। ज्यादातर क्या होता है, जब ज्ञान के गुण भी प्रकट होने लगते हैं, इंसान अपने आप को फिर गुणवान मान के, सात्विक मान के फिर एक अहंकार में आता है। लेकिन ये सब प्रकृति का हिसाब किताब। ये शरीर रूपी भी तो प्रकृति है ना, मन बुद्धि अहंकार भी तो प्रकृति है, तो ये तो सब प्रकृति का हुआ। मेरा क्या है, मैं तो निर्गुण हूं। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं अपने को साधु बोल के भी क्या करूं? दुनिया देख रही है उस भाव से, भाई तुम साधु है, बातें का अलग है। पर वैसे अगर ध्यान दो, हम अपने को साधु कह के भी क्या करें? मैं साधु हो गया तो पहले मैं ठग था क्या? ना मैं ठग हूं ना मैं साधु हूं, क्योंकि ठग और साधु ये गुण देख के बांटा जाता है हिसाब किताब। भाई ये गुण है तो चोर है, ये गुण है तो साधु है। लेकिन निर्गुण ब्रह्म में क्या है? अगर निर्गुण ब्रह्म का निश्चय है तो कबीर जी चोरी करके लाते हैं राजा के घर से और खाना खिलाते हैं,
साधुओं को, तो कबीर जी पे दोष आता ना। अगर प्रकृति इतना कर्म का विधान लिखती है कि महात्मा बुद्ध का खुशबू लेना, भाई चोर हो गया वो, कृष्ण जी चोर क्यों नहीं हुए? कृष्ण जी चोर क्यों नहीं हुए? वो पनिश क्यों नहीं हुए? उन्होंने अपने में किसी गुण को माना ही नहीं। अब चोरी पे भी डिपेंड करता है, चोरी तो कई बार एक मां भी कर लेती है, कोई चीज बच्चे ने नहीं खानी छिपा देती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सारी चोरियां बुरी तो नहीं है, भगवान ने हमारे आंसू चुराए, पाप चुराए, बुरे तो नहीं है, सारी चोरियां भी बुरी नहीं है। चोर भी एक अवगुण थोड़ी मान सकते हो आप चोरी को, चोरियां कई तरह की हैं। तो ये प्रकृति की रदोबदल हो गई ना सारी, तो नाम किसको चोर कहने लायक, ना किसी को साधु कहने लायक। हम एक आत्मदृष्टि क्यों नहीं रखते? काम खत्म। अब झूठ है, अब झूठ कोई स्वार्थ के लिए बोल रहा है तो पाप है, पर कई झूठ ऐसे हैं। अब कृष्ण ने तो रुक्मणी भी चुरा ली, चोर थोड़ी कहला रहे हैं। तो कई झूठ ऐसे भी हैं जो किसी के फायदे के लिए। अभी उस दिन किसी ने बताया, डेथ हुई है उनके घर में किसी की, तो बोला उसको कैंसर था, हमने लास्ट तक बताया ही नहीं, तो अगले की विल पावर बनी रही, तो चलो जितनी भी जिंदगी थी। अब अगर एक झूठ बोलने से किसी को विल पावर मिल रही है, अगर एक झूठ किसी के भले के लिए, बच्चा जिद कर रहा है किसी चीज के लिए और उसके लिए नुकसान है, मां कहती है ही नहीं बेटा, भले के लिए हो गया, अब उस झूठ को भी हम गलत नहीं कह सकते ना। अब भगवान ने उसको मरवाना था गुरु को, तो अश्वत्थामा हत्या है। अब अश्वत्थामा मरा तो हाथी, बाद में धीरे से बोलते हैं कह दो नरवा कुंचर, हाथी मरा या मनुष्य मरा, धीरे से बोल दिया, पर अश्वत्थामा मारा गया ये बोल दो। अब भगवान का वो झूठ भी झूठ नहीं माना जाता, उनका गुण माना जाता है। कई चीजें, अब एक व्यक्ति प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता राम जैसा, रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई, और उधर भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा तोड़ के पहिया उठा के भागे जा रहे हैं, क्या बोला जाए? अब इसका मतलब ये सारा प्रकृति का गुण कर्म विभाग हो गया, स्वरूप में कुछ भी लागू नहीं है। जिस समय जैसी आवश्यकता थी उन्होंने वैसी लीला कर दी, पर दोष मुक्त क्यों है? मेरा प्रश्न ये है, वो दोष मुक्त क्यों है? क्योंकि वो अपने में ना चोर की भावना करते हैं ना साधु की भावना करते हैं। अगर वो ये भावना करते मैं साधु हूं, मैं ऐसे अवतार होके आया हूं, इस अभिमान में होते, तो चोरी का सारा ब्लेम भी उनके पल्ले जाता। जब कोई गुण अपने में मानता है तो अवगुण भी तो उसके लेखे जाएंगे। अच्छे कर्म के करता हो, सत्कर्म के करता हो, तो बदकर्म के करता भी तो बनोगे, फिर तो उनके लेखे जाते, पर उनके लेखे नहीं गए। क्यों नहीं गए? भाव निष्काम है। क्यों नहीं गए? अकर्ता है। क्यों नहीं गए? साधु पणे का अभिमान ही नहीं है। साधु पणे का अभिमान होगा तो डर लगेगा, ये तो चोरी है, मैं कैसे करूं, मैं तो साधु हूं, साधु हूं, एक लग गया ठप्पा, उपाधि आ गई, अब साधु की इतनी बड़ी क्वालिटीज आ गई साथ, साधु है तो ये करे ये ना करे, फिर करता हूं नहीं करता हूं के चक्कर में पड़ा, तो साधु तो वैसे भी ना हुआ। तो ये सारा प्रकृति का गुण हुआ। तो अब कैसे कहोगे मैं साधु ये चोर? पहले तो अपने ही अंदर से साधुपना और चोरपना गंवाना पड़ेगा। अब दादाजी को किसी को अपलिफ्ट करना होता था,
अब एक दिन उनको यही समझाना था कि तुम देह में रहते हुए मुक्त हो। कहते एक बारी हम जेल में था। अब सारे हैरान हो गए, दादाजी जेल कब हो आए और क्यों आए? नहीं, एक बारी मैं जेल में था, मेरे को कोर्ट ले गए, जज के सामने पेश किया। जब सुनवाई हुई, जज कहता है यू आर नॉट गिल्टी मंगनमल, यू आर नॉट गिल्टी। अभी हथकड़ियां पड़ी थीं, मैं खुश हो गया, मैंने अपने को जाना तो मैं मुक्त हूं, मैं आजाद हो गया हूं। तो बोलता था देह होते हुए जीवन मुक्ति ऐसे फील करते हैं। अब एक एग्जाम्पल दिया, दादाजी जेल तो गए नहीं, लेकिन उनको ब्लेम आ सकता है, अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं मैं एक बारी जेल में था। जो अपने को साधु ही नहीं जानता, उसको अपने को चोर कहने में भी डर नहीं लग रहा। जब दुनिया के संतों को देखो, अब वो कहते हैं अगर हमने क्रोध से बोला पब्लिक क्या सोचेगी, साधु होके क्रोध करते हैं, संत होके क्रोध करते हैं। और दादा ने तो वो गालियां दी कि तुम सुन भी ना पाओ, बोलोगे ये संतों की ऐसी गंदी गाली देता है, उसको संत बने का अभिमान ही नहीं है। यहां पता चलता है चोर साध एक कैसे होता है, आत्मा में ना चोर है ना साधु है। उसको संतपना जाहिर ही नहीं करना है, वो ब्रह्म है, वो संत थोड़ी है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, वो संत नहीं है, एक कैटेगरी वाला संत नहीं है। संत के तो लक्षण है और परमात्मा के, परमात्मा सब लक्षणों से परे है, परमात्मा पार है, जिसकी आत्मा हर लक्षण से परे चली गई, निश्चय जिसका हर लक्षण से परे चला गया वो परमात्मा हो गया। उसको आया ही नहीं भाव अंदर में कि मैं गाली ना दूं, मैं क्रोध ना करूं, मैं कुछ बोलूं नहीं। इमेज ही नहीं बनानी हमको कि हम संत हैं। तभी बोला ब्रह्म ज्ञानी के सुसमेद लक्षण, अपने लक्षण है उसके, किसी लक्षणों के फ्रेम में वो फिट नहीं। संत फिट आ सकता है, किसी भी लक्षण का एक फ्रेम बना लो, संत फिट आ जाएगा। सिर मुंडा हुआ हो, गेरू कपड़ा पड़ा हो, गले में माला हो, भभूति का टीका लगा हुआ हो, मधुकरी मांग के खाता हो, घर में अग्नि ना जलाता हो, समाधि लगाता हो, ध्यान लगाता हो, अलख निरंजन बोलता हो, ये लक्षणों का एक फ्रेम बना लो, इसमें संत तो हो जाएंगे फिट। ब्रह्मज्ञानी नहीं फिट आने वाला। ब्रह्मज्ञानी हर बात से परे, उसको अपने भीतर साधु होने का ही भ्रम नहीं है, तो चोर होने का भ्रम कहां से आएगा? फिर जैसी आवश्यकता है निष्काम भाव से वो लीला हो जाती है, लेकिन लीला मात्र है, कर्म अकर्म है। दुनिया में सब क्रिया में फंस रहे हैं, मैं करके। ब्रह्मज्ञानी के कर्म अकर्म हो जाते हैं, मैं का अभाव। आकाश में बहुत कुछ दिख रहा है, सूरज दिखता है, चांद दिखता है, बादल दिखते हैं, बिजली दिखती है, इंद्रधनुष दिखता है, फिर भी आकाश में कुछ नहीं है। ब्रह्मज्ञानी में सब कुछ दिखता है, फिर भी कुछ नहीं है। तो तभी बोला ये उसके अपने लक्षण हो गए। अब जब हम खुद चोर साधु के भाव से परे हो जाएं, तो दृष्टि साफ हो जाएगी कि नहीं? तभी जब उनका भगत अपने भाई को लाता है जो बहुत कुकर्मी है, कबीर जी उसको एक ही भाव से समझाते हैं, साधो ऐसे मत करो, साधो जीवन नहीं गवाओ, साधो गलत कर्मों से बचो। वो चिड़े जा रहा है ये साधु कहाँ है, पर कबीर जी से पूछो, वो तो कहते हैं वो साधु है। कबीर जी तो मान रहे हैं वो साधु है, क्यों? जो खुद हर समय साधुता के भाव में, अहंकार में नहीं है, भाव में, उसको ही साधु देखने में आएगा। साधु पने का अहंकार हो तो सामने चोर दिखता है, साधुता का स्वभाव हो, साधुता का भाव हो,
सामने भी साधु दिखता है, अब चोर नहीं दिखता। अहंकार द्वैत दिखाता है, असली साधुपना आईना दिखाता है। होल वर्ल्ड इज ए मिरर, मैं ही तो हूं तो अपने को चोर कैसे बोलूंगा, अपने को गलत कैसे बोलूंगा, अपने लिए कोई गलत भाव कैसे रखूंगा, ये परिवर्तन आ जाता है। इसीलिए हमको अपनी दृष्टि अगर बनानी है, पहले अपना निश्चय बुलंद होना चाहिए। जैसा मेरा अंदर का निश्चय है वैसी मेरी दृष्टि है, जो तुम हो वही देखते हो सामने, अलग नहीं देख सकते हो। कोशिश भी करोगे ना अलग नहीं देख पाओगे, पर जो तुम हो वो जरूर देख लोगे। आत्म दर्शन, अपना दर्शन, स्वयं से स्वयं को देखना, स्वयं से स्वयं को जानना, ये पुरुषार्थ है। बाकी आप बोलो मैं ना सारा दिन जिसको देखूं है ही भगवान, नहीं ये खेचल करते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हर हर करे नितरस ना कया कुछ ना जाने, मन तो हर लिया माया ने, बाकी बोलन पाए रवाने। इसमें तो ये स्थिति हो जाती है कि हम अंदर से तो कर्म ही देख रहे हैं, ऊपर से भगवान भगवान कहते जा रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं होता। अब आपकी नज़र किसी के कर्म पे है, अंदर तो हो रही है विक्षेपता, अंदर तो उलझन हो रही है, अब बाहर से जितना मर्जी भगवान दिखाते जा रहे हो, अंदर वाला मान तो रहा है कि सामने वाला गलत है। जब आप कर्मातीत नहीं हो, आप उसको कर्मातीत कैसे देखोगे? आप गुणातीत नहीं हो, आप सामने वाले को गुणातीत कैसे देखोगे? आप निष्काम नहीं हो, आप सामने वाले को निष्काम कैसे देखोगे? पहले तो आपके अंदर परिवर्तन आए ना, तब बात बन सकती है। जब आपका भाव किसी के लिए गलत नहीं है तो आप समझ सकते हो भाव अगले का भी गलत नहीं होगा, मैं भी शब्द निकल गया हो, इस तरह की फीलिंग हो सकती है। लेकिन जब आपके अंदर फीलिंग ही नहीं है राइट, तो दोषी दोगे और क्या करोगे? जितना मर्जी कोशिश कर लो भगवान दिखाने की। कई लोग बोलते हैं मैंने बहुत कोशिश की है भगवान देखने की। भगवान देखने की कोशिश कर रहे हो ना, जीव भगवान देखने की कोशिश कर रहा है, मुसीबत बढ़ा ली। भगवान हो जाओ तो भगवान देखना ही नहीं पड़ेगा, कभी नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि दिखेगा ही भगवान। कल भी इतनी अच्छी बात चली कि अगर ये हॉल है, बस निश्चय हो गया ना हॉल है, बैठे बैठे यहां विचार देना पड़ेगा हॉल है हॉल है, नहीं ना, निश्चय हॉल है तो है, तो भगवान है तो है, ये तो निश्चय है। लेकिन बार बार विचार क्यों देना पड़ता है? क्योंकि खुद ही जीव हो जाते हो, खुद ही देह के भाव में आ जाते हो, खुद ही अहंकार में आ जाते हो, फिर विचार देना पड़ता है। निश्चय और निर्णय भीतर हो जाए, जब अंदर निश्चय है, निर्णय हो चुका, निश्चय माना निर्णय हो चुका, निश्चय तो उसी चीज का किया जाता है। चार सुनारों को दिखा लिया सोना है, अब निर्णय हो गया ना सोना है, तो उस पे निश्चय हो गया, अब लॉकर में रख दिया, कोई पूछता है अब हम कहते हैं सोना है। तो जब मैंने निर्णय कर लिया तो निश्चय तो अपने आप हो गया। निर्णय तो हो,
मैं ब्रह्म हूं ये निर्णय हो, निश्चय तो अपने आप जम जाएगा, पर अभी निर्णय ही नहीं है, संशयात्मक बुद्धि है, ये थोड़ी थोड़ी देर में खुद ही जीव बन जाते, तो काम खराब है। किसी भी चीज का निर्णय हो जाने के बाद संशयात्मक नहीं होते हम, उसके लिए निश्चयात्मक हो जाते हैं। राइट, चार लोगों से पूछ लिया, पहले नहीं मोहल्ले में आता था साड़ी वाला शाल वाला गठरी लेके, चार पड़ोस की औरतें बैठ गईं, उसने साड़ी बताई 1000 रुपए की, आंखों आंखों में, उन तीन ने भी बोला इतने की होगी, निर्णय हो गया, निश्चय से ले ली 1000 रुपए दे के, खुश हो गए, 1000 रुपए की साड़ी ली मैंने। कई चीजों में निर्णय, निर्णय होते ही निश्चय। एक लड़का देखा पसंद आ गया बेटी के लिए, इंक्वायरी करवा ली, पड़ोसियों से पूछ लिया, निर्णय हो गया घर ठीक है, लड़का ठीक है, निर्णय हो गया। अब निश्चय करते हैं कि हमने यहीं शादी करनी है। आपका निर्णय हुआ, आप कौन है? ब्रह्म है, जीव है। अब ब्रह्म है तो मन का भी कोई विकार मेरे में नहीं है। सदोष और निर्दोष, जीव सदोष वो निर्दोष हो नहीं सकता, ब्रह्म निर्दोष वो सदोष हो नहीं सकता, लेकिन हमारे यहां खिचड़ी क्यों पकी पड़ी है? हम ब्रह्म भी कहते हैं, अपने में सारे मन के दोष भी मानते हैं, मैं ये भूल कर बैठा, मैं वो बात कर बैठा, मैं कौन दिखा रहा है? मन दिखा रहा है, मन किसको है? जीव को है। और अगर अकल करो, गुरु से एक ना ले जाओ, ही इज ए ब्रेव मैन हु कैन से नो, ना ले जाओ, अगर इस ना को आगे लगा लोगे तो मन नमन हो जाएगा, पीछे लगा लोगे मनन कर बैठेगा, एक ना लगाने से काम बनने वाला है। एक ना लगा दो, गुरु से ना ले जाओ कि मन को ना करनी है। अब चाहे ना आगे जुड़ जाए चाहे ना पीछे जुड़ जाए, तुम्हारा दोनों में फायदा है, नमन में भी फायदा है, मनन में भी फायदा है। लेकिन सारा जीव भाव का दोष अपने में मान मान के अपना आनंद गवा देते हैं। तभी मैंने बोला इतना मूर्ख कोई भी नहीं है दुनिया में। जो चोले को ये ड्रेस पहन ली और एड्रेस गया भूल, कमाल ही हो गई है। ड्रेस में तो अटके हो, जीवों के ही तो सोच रहे हो, जीवों के ही तो विचार कर रहे हो, जीवों के ही तो मन के चंगुल में फंसे हो, और कोई निकाल नहीं सकता इससे। जब तक के तुम खुद मन को ना करके, मन के ऊपर पांव रख के आगे ना बढ़ो, शीश उतारे भोएं धरे तांपे रखे पांव, शीश उतार के मन के अहंकार का नीचे रखो, उस पर पांव रख के आगे बढ़ो। एक सवाल अपने से पूछो, तुमको आत्मा कितना समझ में आता है? साक्षी भाव कितना जागा है? कितना मन से, ख्यालों से, विचारों से परे हुए हो? आज भी तो वही कर रहे हो, जीव हो के अपने में सब बातें मान के चलते जा रहे हो। कहते हो मैं निर्दोष आत्मा हूं। गुरु ने कहा है मन का धर्म मन को दे दो, बुद्धि का धर्म बुद्धि को दे दो, तुम निर्दोष आत्मा हो, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी देर में अपने में दोष मानते रहते हो। आत्मा का निश्चय ही तो नहीं होता, निर्णय ही तो नहीं हुआ अभी तक। अगर निश्चय हो जाए, भूले से भी कोई भूल अपने में तो नहीं मानोगे? भाई ये मन का धर्म है, ठीक है, लेकिन बार बार वही जीव भाव, वही बातें, वही अज्ञान, वही द्वैत, वही द्वेष, वही ईर्ष्या, ये सब अंतःकरण के धर्म है। मुझ अविनाशी स्वरूप आत्मा में, आनंद स्वरूप आत्मा में ना आनंद कैसे हो सकता है?
मुझ में द्वैत ही नहीं उठता, तो ना आनंद का तो सवाल ही नहीं है। मुझ में ना राग है ना द्वेष है, ना अच्छा है ना बुरा है, ना दोस्त है ना दुश्मन है। आया माँ भगवान जै में नाए शक गुमान, नानक लक्ष्मण मेरो ही नाम। उस स्थिति पे अपने को टिकाते, मन तुम्हें कोई ना कोई अज्ञान की बात बताता रहता है और तुम उन अज्ञान की बातों पे खड़े रहते हो, फिर कहते हो आत्मा का आनंद तो आ ही नहीं रहा है। तुम ऐसे ही रोते रहना, मन को जिंदगी चली जाएगी। ये सब बखेड़ा छोड़ के आत्मा का आनंद आज लो ना। दादाजी पूछते थे जीवन मुक्ति का आनंद मरने के बाद लेने वाले हो, मर जाओगे उसके बाद जीवन मुक्ति का आनंद लोगे? जीते जी ले हो ना। क्यों अंतःकरण का धर्म अपने में मानते हो? क्यों मन की ख्याल अपने में मानते हो? मन तो रोज कोई ना कोई न्यूज़पेपर फेंक जाएगा, क्यों पढ़ा तुमने, वापिस करो। मन तो रोज दरवाजा खटखटाएगा, ओके देगा, क्यों सुनी मन की, हटाओ। और उतना अपना ही आनंद खत्म कर रहे हो। जितना मन के अधीन हो अपना आनंद खत्म करते हो, फिर मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से। तुम लोग सोचते हो शायद हम ना पछतावा करके दिखाएंगे तो इनको अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हमने मूड ऑफ की हुई है, हम ना बड़े परेशान हो रहे हैं, हम ना बड़े ऐसे हो रहे हैं। हमको तो और ही दुख लगता है कि इतनी मेहनत करके चढ़ाया, फिर एक ख्याल के वश तो क्या पाया, फिर इतने दिन क्या किया। अगर तुमको मन का एक ख्याल नहीं झटकना आता, तुमने फिर इतने दिन किया क्या? सुनना सुनाना सब बकवास है, फिर टाइम पास हो रहा और तो कुछ नहीं हो रहा। मन का एक ख्याल नहीं जीता जाता, अब मन के सब विचार झटक के स्वयं को आनंद में नहीं लाया जाता तो बाकी क्या है, टाइम पास है सिर्फ, और क्या है। ज्ञान भी मनोरंजन है, खेल खाल के खुश हो। बैलेंस ही नहीं करना आया अपने को, जीव भाव से अलग ही नहीं करना आया, मन से अलग ही नहीं करना आया तो फायदा क्या। उसमें कोई प्रसन्नता नहीं होती कि अगला बड़ा पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। ये लगता है मन के अधीन कितना, मन की गुलामी कितनी है। और कितना बुलवाना चाहते हो किसी से भाई, कितना अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हो बेकार का दिखावा करके। होना तो ये चाहिए, जब बात एक कमरे में रहती है ना हस्बैंड वाइफ की भी, तो अच्छी रहती है। मोहल्ले में आ जाती है तो बदनाम हो जाते हैं। होना तो ये चाहिए तेरे मन का भी कोई ख्याल कोई बात, गुरु ने खत्म करा दिया, तुम्हें विचार दे दिया, उसके बाद नॉर्मल हो जाओ। सारी चौपाल में क्यों सुनाते हो मुझे मन आया, मुझे ख्याल आया, मुझे बात आई, फिर मैं बड़ा पछता रहा हूं, फिर मैं ऐसा कर रहा हूं, क्या नाटक है ये? क्या ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासुओं की ये स्थिति होती है? ये स्थिति होती है। मन की गुलामी ज्ञान है। एक निर्णय करो सिर्फ बैठ के, हु आर यू। बस आकाश स्वच्छ है, नीचे चाहे काले बादल हों चाहे सफेद बादल हों, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे अंतःकरण में कुछ नहीं टिके। नौकर की मिस्टेक भी नौकर की डायरी में लिखो, तेरी मिस्टेक नहीं है। मन का ख्याल अपने में मानना, मन अपने में मानना, ये तो बड़ा जीव भाव है। ना मैं मनू ना मेरे में मन है, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, मैं सच्चित आनंद रूप हूं, मैं बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप, कोई विचार तुम्हें काम नहीं आता। या ज्ञान का विचार उठता ही नहीं अंदर, अज्ञान के घेरे में रहना ही पसंद है। वो मसा गुरु निकालता है, सुअर को निकाल लाओ कीचड़ में से,
वो थोड़ी देर बाद फिर वहीं गया बैठा। मसा गुरु निकालता है, हंसना सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है, जागृत करता है, शाश्वत रूप में लेके आता है, फिर कोई ना कोई तुम्हें सुरंग मिल जाती है वहीं कीचड़ में घुसने के लिए। नहीं नहीं वहीं कीचड़ अच्छी थी, आप क्यों गंगा जल में नहला रहे हो? सुअर को नहलाओ, गंगा जी में रोएगा, कीचड़ में खुश बैठा रहेगा। उसको लड्डू पेड़े खिलाओ, दुखी हो जाएगा, विष्ठा खा के खुश रहेगा। या तो तुम्हें भी आदत हो गई है, कीचड़ का स्नान तुम्हारा गंगा जल का स्नान है। कितनी देर मन के वश रह सकते हो? और हो क्या रहा है? मन का चिंतन, अज्ञान का चिंतन, विकार का चिंतन। ज्ञान तो फिर भी धुला जा रहा है, पक्का तो जीव भावी हो रहा है। तुरंत आत्मा का विचार करके अपने निश्चय में खड़े हो जाना चाहिए। हटा दो सब। दादाजी कहते हैं आत्म बिन हर गाल खे, दिल सा सदा नाकार चाओ। आत्मा के बिना हर बात को दिल से नकारते जाओ, नो नो नो, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरी स्थिति नहीं है। अपने आप को पहचानना सीखो। देखो भूल करवाता है मन, फिर चिंतन करवाता है मन, पश्चाताप करवाता है मन। पहले कहेगा कर्म कर, फिर सुइयां चुभाएगा क्यों किया। अजीब बात है कि नहीं? और फिर भी मन के ही वश रहते हो। अब गुरु कहता है मन की अधीनता छोड़ो। और कैसे छूटेगी? आत्मा के निश्चय से। जिसके पास अपने स्वरूप का निश्चय है उसके पास कोई नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन जिसके पास अपने स्वरूप का निश्चय नहीं है उसके पास नेगेटिविटी बहुत है। सारा समय मन नेगेटिव दिखाएगा, लेकिन आत्मा में ना पॉजिटिविटी ना नेगेटिविटी। मेरा सत्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मुझमें ना नेगेटिविटी है ना पॉजिटिविटी है, क्योंकि द्वंद तो दे अध्यास में, निर्द्वंद आत्मा में नेगेटिव और पॉजिटिव भी कहां से आया? कुछ भी नहीं। और वैसे भी इफ यू लाफ वर्ल्ड विल लाफ विद यू, इफ यू वीप अलोन। कितने दिन कोई पूछेगा तुम्हें? जैसे एक ढीठ व्यक्ति होता है, एक समय आके उसको कहना ही छोड़ देते इग्नोर कर देते हैं जैसे यही नहीं। ऐसे एक व्यक्ति जो सारा समय री 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 करता रहता है, एक समय लगता है इसका पीछा भी छोड़ दो भाई, मेहनत ही बेकार है, क्योंकि चार दिन बाद फिर वही हाल हो जाएगा, छोड़ो। पर उल्टा हम अपनी दूरी का इंतजाम करते हैं जब मन से नजदीक होते हैं। मन से दूर होते हैं गुरु से नजदीकी का इंतजाम हो जाता है, दोनों से नजदीक रह नहीं सकते। मन के नजदीक आओगे वो तुम्हें गुरु के नजदीक नहीं आने देगा, गुरु के नजदीक जाओगे वो मन के नजदीक नहीं जाने देगा। और जीव विचारे की स्थिति बड़ी अजीब है, दो बीवियों का वर और मसाने में हो गया घर। एक नीचे मन है, ऊपर गुरु है, जीव बीच में खड़ा है। गुरु कहता है मेरी तरफ आ, मन कहता है मेरी तरफ आ, दो बीवियों का वर हो गया, मसाने में घर हो गया, क्योंकि दोनों ही बुला रही हैं पहले, उसके बाद दोनों ने दरवाजे बंद कर लेने हैं। सो भाई सीढ़ियों पे। फिर इससे अच्छा है जल्दी सीढ़ी चढ़ के ऊपर वाले से बना लो, भगवान से बना लो, भगवान से प्रेम कर लो, भगवान का साथ ले लो। साथ ले लो गुरु, आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। गुरु का ही हाथ पकड़ के, साथ पकड़ के संभला जा सकता है, चढ़ा जा सकता है।
और ना तो संभलने की पूरी, वो फिसलने की पूरी संभावना है। और गुरु का साथ माना, गुरु के ज्ञान का साथ, वचनों का साथ, हर समय उस भाव में जागृत रहना, हर समय उस ऊंचाई में कायम रहना, हर समय अपने शुद्ध स्वरूप में जागृत रहना। जागृत हो के आनंदित हो जाओ, जागृत हो के प्रेम में मस्त हो जाओ, अब किसी भी तरह से तुमने एक विकार से अपने को समझ लिया कि ये विकार है, दोष है, छुड़ा लिया, अब उसका शोक क्या करना। समझो हमारे अंदर द्वैति है, अच्छा हमने समझ लिया ईर्ष्या द्वेष ये सब हमें तंग करते, बस ठीक है, अब प्रेम का संकल्प करो, आगे चल पड़ो, ठहरने की जरूरत ही नहीं, कमजोर पड़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मन फिर वहीं खड़ा कर देता है और तुम खड़े हो जाते हो। तो पहले तो अपने अंदर देखो ना, मेरे अंदर अच्छा फिर क्यों आ गई ये बात, फिर मुझे ये ज्यादा दुखी करती है, मतलब साधु होने का अभिमान है तो अब चोर का विचार क्यों आ गया, चोरी का अब ये टेंशन हो गई। पर तुम ना साधु हो ना चोर हो। गुरु जी हंसते थे कभी कभी, भगवान लग रहा था आपसे बात करें आप क्या सोचोगे, मैं अंदर से ऐसी हूं, बोला वैसे तेरे को क्या पता, हम तेरे को अच्छा सोच रहे हैं, हम तो वैसे भी जानते हैं जीव मना विकारी होगा ही, विकार इसके अंदर आया है अगला तो विकार तो लेके ही आया होगा, फिर तुम्हें यह भी टेंशन है मेरे लिए गुरु क्या सोच रहा होगा, अब क्या सोचेगा, अगर वो कुछ सोचता तो पहले दिन निकाल बाहर करता, तुम्हें गले तो ना लगाता, विकारों सहित अपनाता तो नहीं, इतना तुम्हारा कीचड़ धोता तो नहीं, तुम्हारी गंदगी में घुस के तुम्हें निकाल के तो ना लाता वहां से, फिर उसने क्या सोचना। पता नहीं कौन से जाल बिछाता है मन, और तुम लोग क्यों उन जालों में उलझते, समझ में ये नहीं आता, चिपक जाते हो एक बात को, जोंक होती है ना चिपक जाए किसी को, खुद इतनी सी जोंक इतनी बड़ी हो जाती है खून पी पी के, तुम लोगों को भी मन जोंक की तरह लग जाता, पूरा खून निचोड़ता रहता है बेकार का। एक निश्चय करो, निर्णय करो, काम खत्म करो और खड़े हो जाओ अपनी मंजिल पे। समय जा रहा है ना, ये भी तो समय जा रहा है। हमको बड़ी अच्छी लगती थी भगवान की बात, कहते थे तुमने आज का दिन भी आनंद के बिना क्यों गवा लिया, मूड ऑफ कर ली, परेशान हो गए, जबकि तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, एक मिनट में खत्म करके वापिस आनंद में आओ, तुम इतने खुश हो सकते थे, तुम पूरा दिन आनंद में बिता सकते थे, तुमने दुख में क्यों बिताया, शोक में क्यों बिताया, अपने को उलझाया क्यों, परेशान क्यों किया। और बहुत सच्ची लगती हैं बातें, डन सो डन, उसको साइड करो, आप कितने दिन रो लोगे। एक औरत भी रोती है आदमी को, उसको कहते हैं कितने दिन रो लेगी, आखिर तो चुप करोगी, तुम कितने दिन रो लोगे मन को, आखिर तो हंसोगे, आज क्यों नहीं, फिर अभी क्यों नहीं, फिर इतना साखी भाव तो आ जाए अंदर में। निश्चय के बिना कल्याण किसी का भी नहीं है, हर एक को उसका निश्चय तारेगा, और निश्चय यही है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। सारी बातें नीचे की, जो बात मेरे स्वरूप से नीचे की है मुझे वो करनी नहीं। अब शॉप पे जाओ ना, जब वो ऐसा कपड़ा दिखा दे जो हम लोग पहनते ही नहीं, भैया ये हटाओ, ये क्या दिखाने लगे तुम, चीखने ही लग जाते हो, हटा हटाओ इसको, कैसा दिखा दिया, मन कुछ दिखाए, कभी बोला हटो हटो भैया ये क्या दिखा रहे हो, आत्मा दिखाओ, भगवान दिखाओ, मैं तो हीरों का व्यापारी हूं, तुम ये हल्दी मिर्चा क्या दिखा रहे हो, बोला उसको कैसे बोलते हो, ये झटके रंग दिखा रहे हो भैया, मन को बोला कैसे गंदे विचार लेके आ रहा है, हट नहीं, उसको गले लगा लेते, जितने गंदे विचार दिखाए, जितनी नीचे की बातें दिखाए, गले लगा लेते। गुरु की सारी मेहनत खराब करे, उसने तुम्हें चढ़ाया, ब्रह्म स्वरूप बनाया, ये मन तुम्हें फिर जीव बना रहा है, चोर बना रहा है, पापी बना रहा है, बन जाते हो फटाफट,
गुरु की आवाज़ नहीं गूंज रही कानों में, मन की गूंज रही है। मन आज भी इतना सगा, भगवान आज भी इतना पराया, क्या सौदा किया, क्या सौदा किया, पूछो अपने से। इसीलिए ये आदत डालो अपने को, मन की किसी बात के साथ बहना नहीं है। दो दोस्त वॉक कर रहे थे नदी किनारे, गांव में उनके नदी बहती थी, वॉकिंग कर रहे थे। अचानक एक ने देखा, उसको कहता है, अरे यार देख कंबल बह रहा है इसमें तो, बहुत अच्छा कंबल है। वो दोस्त फटाफट कूद गया, वो लाभी निकाल के लाया, पहुंच गया कंबल तक। अब कंबल के साथ साथ बहता जाए, वो दोस्त किनारे पे भागता जा रहा है। कहते हैं अगर कंबल नहीं आ रहा हाथ में तो कंबल को छोड़ दे, तू तो बाहर आ। कहता है क्या करूं, अब कंबल ने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि वो भालू था, उसको लगा ये मेरे को बचाएगा, भालू उसको चिपक गया। तो तुम्हारे साथ यही हालत है, कंबल चिपक गया तुम्हें, भालू छोड़ता ही नहीं। गुरु किनारे पे खड़ा आवाज लगा रहा है, तू तो वापिस आ जा। कहते हैं कैसे वापिस आ जाएं, अब तो कंबल ने हमें पकड़ लिया, पहले हमने कंबल पकड़ा, अब कंबल ने हमें पकड़ लिया। पहले तो ठीक था, मैंने मन पकड़ा था, अब तो मन ने मुझे पकड़ लिया, हो गई मुश्किल। खाम खा का ग्रहण लगा लिया अपने को। जब तेरे और गुरु के बीच मन आ जाता है, तेरे पे परछाई पड़ती है, मन की ग्रहण लग जाता है। अब जब ग्रहण लगता है तो क्या करो, दान करो, तन मन धन का दान, मतलब समर्पण की भावना, फिर याद करो, फिर सिमरन करो। कोई काम नहीं करते, बैठ जाते हैं सिमरन करने, खाना तक नहीं पकाते। जब ग्रहण छूटेगा ना, फिर खाना बनाएंगे। तो सूरज जैसे को भी ग्रहण लग जाता है, तो कभी कभी तुम भी बहुत चढ़ते चढ़ते फिर ग्रहण लग जाता है। मन आ गया ना, बीच में परछाई पड़ गई, ग्रहण लग गया। अब समर्पण की भावना करो, सिमरन करो अपने स्वरूप का, तो जान छूटेगी इस ग्रहण से तुम्हारी, और तुम्हारे साथ फिर सूरज के छुटकारे के लिए सारी प्रकृति पे लोग सिमरन करते हैं। फिर सारी संगत की दुआ जीतो, गुरु की आशीष जीतो, तो दोबारा जान छूटे तुम्हारी, ये ग्रहण लग जाता है बीच बीच में। फिर अपने आत्मा से हटके फिर देह के निश्चय में आ जाते हो। सारी बात जितनी मन कर रहा है किसकी है, मन की बात, शरीर की बात, अज्ञान की बात, क्या तेरे स्वरूप की बात है? नहीं है तो फिर क्यों किए जा रहे हो? जल्दी नहाओ, ज्ञान गंगा में पवित्र हो जाओ, ग्रहण छुड़ाओ। नहा लेते हैं ना उसके बाद, जल्दी से ग्रहण छुड़ाओ, नहाओ जल्दी, ज्ञान गंगा में पवित्र हो जाओ। फिर प्रेम याद करो गुरु का, फिर भक्ति याद करो, फिर समर्पण की भावना करो, तो छूटो इस भ्रम जाल से। ये भी बड़ा भ्रम है, ये मन अब ब्राह्मण होके आ गया, मैं ना पछतावा करवा रहा हूं, मैं ना ऐसा करवा, है तो फिर भी मन ना, है तो रावण ही। अब क्या पता रावण के पछतावे में भी क्या चाल है, ब्राह्मण होके आया, सीता ही ले गया उठा के, तो फिर भी तो मन के साथ मिक्स हुए बैठे, क्यों जुड़े बैठे? अपने शाश्वत स्वरूप को याद करो, आनंदित हो जाओ। रोज गुरु ने कितनी सुंदर निश्चय की बातें बोली, तेरे जैसा ना हुआ ना होगा। तो इतना शुद्ध स्वरूप है, चेतन रूप है, जड़ मन के साथ जड़ हो जाते, तो चेतन हो तुम, महाचेतन हो। अपनी चेतना से उल्टा मन को भी शुद्ध कर लो, महाचेतन हो तुम। तुम अन्य पुरुष हो, भगवान ने कैसे बोला, मेरी जड़ प्रकृति, चेतन प्रकृति, जीव रूप चेतन प्रकृति, आठ प्रकार के भेदों वाली मेरी जड़ प्रकृति, और इन दोनों को सत्ता देने वाला मैं अन्य पुरुष। है निश्चय तुम्हें अन्य पुरुष होने का?
मन को सत्ता भी तुम्हारी है, तुम अन्य पुरुष है मन को सत्ता देने वाला, फिर भी मन तुझे सता के जा रहा है। तुझसे उत्पन्न हुए बादल तुझे ही ढक रहे हैं, चमको अपनी महिमा में, काम खत्म हो जाए। तो इस दोष का निवारण करो कि ड्रेस पहन के एड्रेस भूल गए हो, अब होश में आओ, ये ड्रेस तेरे से अलग है, चोला तूने पहना हुआ है, चोला तू नहीं है। आई बात समझ में?